जब से ये सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया कितनी राहत मिली? इसमें बहुत राहत मिली सर हमारे को, सीज फायर के टाइम में बहुत, अभी 9-10 महीने हो गए जिसमें ये सीज फायर हुआ है, इसमें बहुत राहत मिली है हमारे को। अभी हम थोड़ा बाहर निकल के काम धंधा भी करने लगे और अपने डंगर भी चराने लगे। जी सर, तो ये जो पार से आते हैं लोग, इनके लिए कितना मुश्किल है? मुश्किल बहुत है सर, इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्या करें। जी सर, तो यहाँ की आर्मी जो है वो कितना मदद करती है? नहीं, आर्मी बहुत मदद करती है सर हमारे साथ, कभी फेर हो जाता है या कोई, आर्मी बहुत उसके हमारे साथ बहुत मदद करती है। जी सर, तो आप चाहते हैं कि शांति बनी रहे? जी हम तो चाहते हैं सर अगर शांति बनी रहे, क्योंकि हमारा भी जो है इसमें बहुत ऐसे काम धंधा चलता है और हम भी मजबूर हो जाते हैं फेर में इधर उधर निकलने के लिए, डंगर चराने के लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं। हमारा बाल बच्चा कहीं दूर जाता है स्कूल पढ़ने के लिए या कुछ, फिर हम मजबूर होके उसको भेजते हैं घर से। तो कितना अलर्ट रहती है हमारी आर्मी? नहीं, आर्मी में कोई कमी नहीं, वो तो अपने टाइम टाइम में, हम सिविलियन में घर में रात को सो जाते हैं ना, सुबह बड़े चैन से उठते, वाशरूम जाते, नहा धो के निकलते, ये भी तो माँ के बेटे ना, जो 24 घंटे मान लो खड़े खड़े। और इन जगहों में, सिटी की बात छोड़ो, सिटी में भी मान लो इनको वही आगे की तरफ देखेंगे, पीछे गोली है, पीछे की देखेंगे आगे, या तो आमने सामने की बात है, आप खुद अंदाजा लगाओ, इतना मान लो हम उठाएंगे उनके एरिए में लगे, ये मामले होते हैं। तो और जैसे जो सेना के फौजी, ये अपने टेम्प टेबलेट पर खड़े, इनमें कोई कमी नहीं।